हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मतलब कि अभी बना नहीं हूँ, पर मैं कॉमिक्स बनाने का मुझे बहुत शौक है। कॉमिक्स मैंने पहले पहले से बनाना स्टार्ट किया। मेरा नाम यश सोलंकी, मैं 11 ईयर्स का हूँ। मैंने स्टार्ट किया हर कॉमिक के बारे में। मैंने 4 पहले वीडियो डाली होगी, बहुत सारी, पर मैं और पुरानी मैं आपको 4 वर्जन बताऊँगा जब मैंने कॉमिक बनाया पलवल से स्टार्ट की। पलवली का वर्जन है ये, इन ये कॉमिक्स है पलवली वर्जन की, और मई पलवली मार्च अप्रैल, ये 3 वर्जन पलवली वर्जन में आते हैं। मार्च अप्रैल की भी अभी लगी हुई है अंदर, और मई से मैच की बनाना स्टार्ट की है। वैसे इसके अभी 3-4 वॉल्यूम लगे हैं, और इसके 3rd वॉल्यूम है, 500 सेकेंड बना हुआ लगा है, और 6 वॉल्यूम पूरे इसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और ये मैच, ये इसका सीजन 1 है, इसमें बिल्कुल शुरुआत से ही दी गई चले, क्योंकि पहला पार्ट है, पहली स्टोरी है। और कॉमिक में 60-70 पेज तो होते नहीं है, और एक ईचू में होते हैं 30 पेजों को चिपका चिपका के बन जाते हैं 120 पेज। और कॉमिक 120 पेज, और उसमें 110 पेज है, क्योंकि इसके 5 ईचू में दिए थे हमने 32, और चाहे नीचू में 20, 20, 20, 20, और इनके कबल्सों के लिए भी पेज है, इनके लिए अलग अलग टाइप का, और जैसे कि ये आखिरी में, और अलग अलग टाइप के, और ये मैच डीली पर। मैं ये बात बताना भी भूल गया कि यार कॉमिक किस टाइप की होती है। इन कॉमिक्स को ये मैंने बनाई है, एक पॉकेट कॉमिक है, पॉकेट में अपन लग सकते हैं, और इनको कहा जाता है इन कॉमिक की तुली चिंचे बली होती है, इन्हें आराम से एक हाथ पे लग के पढ़ा जा सकता है। और ये मिनी कॉमिक, मिनी कॉमिक का साइज ना होता है 20 या 18 सेंटीमीटर से तोला चका, ये मेरे ख्याल से हो सकती है 20 सेंटीमीटर की। और ये वाली कॉमिक है बहुत ही मोटी, क्योंकि इसमें ताती मेला मतलब कि 10 ईचूज लगे, और इसके पूरे मिला के पे एज है वो 200 पोती। हाँ 200 पोती, ये कॉमिक ऐसे बनाई गई है, देखिए इसमें ये जो है ना कॉमिक, इसमें कोको में ये तो बहुत सारे कैरेक्टर है। इस कॉमिक का नाम है मैच दिली पर कोको में लिबेंस पोल दे प्यूचरल, देखिए टाइप की कॉमिक में शेडिंग की गई है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक कैटेगरी में आती है कई कॉमिक। ये और इस टाइप की मैंने एक और कॉमिक बनाई है, वैसे भी ये कॉमिक मैंने आधी बना ली है, क्योंकि या इसका ये रहा बीच का पेज, बीच के 2 पेज मैंने ये आधी कंप्लीट कर ली है, और कंप्लीट करने के लिए पेज बचे हुए वो भी कंप्लीट हो जाएगी। दरअसल मेरे स्टोरी में क्या है, मैच बदला लेने के लिए एक टीम ढूंढता है जोज के बारे में क्या, और इन कैरेक्टर्स के बारे में भी आगे आपको पता चलेगा चल में क्या है, और बाकी की बात बाकी की स्टोरी में बाद में भी बता सकता हूँ। और ये एक कॉमिक जिसका मैंने लाइट कवर बनाया, क्योंकि ये लाइट है, इसमें कोई एडवेंचर नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आ रियल प्लान एक असली दोस्त के बारे में, एक बच्चा जिसे दोस्ती करना पसंद नहीं, वो कैसे दोस्त बनता है, क्या क्या है, वो अपना घर छोड़ के क्यों भागा, इस टाइप की स्टोरी है ये। यह रियल प्लान इनके ये इसके दोस्तों के नाम इसके नाम से चार होते हैं, रियल नाम से जबके नाम चार, वो जो बच्चा था उसका नाम है लीम, और ईचे चार होता है इसकी पिक्चर ये है ले दिन, और ऐचे आज होता है एली, इसका नाम एली है, और एल से होता ली है, इसका नाम ली है थे। इन सब कैसे दोस्त बने इसके बारे में बताया गया है। पर पहली बात है कि ये इसकी ये गर्ल छोड़ के क्यों भागा, क्योंकि इसके पापा में दिला दिया था, क्योंकि काफ़ी किसी से दूध नहीं बन सकता, चुनाव में इसके भी अच्छा लग रहा दूध बनाना, पर इसकी धीरे धीरे लड़ाइयाँ होने इसका लगी, फिर एक इंसान को इसे ये कचले में गिला मिला, ये कचले पे कैचाई आगे बताया जाएगा, फिर इसने अपना बच्चा मान लिया, और वो स्कूल में कुछ भी नहीं करता, वो अकेले बेता लेता और करता लेता। और बाकी की मैं बाद में बनाऊँगा। ये जो कॉमिक्स है ये कहलाती है सितंबर वर्जन, अभी मैंने ये बीच में इसलिए लॉक किए क्योंकि अभी मैं एक स्पेशल कॉमिक बनाने लगा हूँ बैंड लेती, और ऐसी एक और मैच दी कोको में, इसके बाद की आगे की स्टोरी की भी एक कॉमिक बन रही है वो बताऊँगा। फिर भी इसके अभी तक के पेज बन चुके, इसके अभी तक के पेज बने 170-60, और ये बैंड लेट की कॉमिक है, इसके बारे में बताने वाला था, पर अभी मैं एक और बात बता दूँ, ये सबसे छोटी साइज की कॉमिक, इस कॉमिक का नाम लगा जाता है स्काई कॉमिक,
कॉमिक देखी है इस कॉमिक के बारे में। वैसे ये कॉमिक में क्या किया गया, चमे इसमें छोटी छोटी पिक्चर्स बनाई गई क्योंकि मैंने शुरुआत में स्टार्ट की थी। वैसे शुरुआत में अपन मिनी कॉमिक से स्टार्टिंग कर ले तो आखिरी में वाली कॉमिक तक अच्छी होती, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओ। ये पलवली वर्जन की कहलाती है। और एक इस कॉमिक में मेरे ख्याल से 148 पेजेज है, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख रखे 142 है चल में। और इसका चेक्स वॉल्यूम, चेक्स वॉल्यूम में इसका के में हाँ 146 पेजेज। बस 2 मिनट का मैंने ब्लैक लिया था, वो ब्लैक कंप्लीट हो गया, हटाने वाला था ये। इसमें आल इस कॉमिक में 142 पेजेज। ये मिनी कॉमिक कहलाती है। और यार कॉमिक का अपने को पेज प्लान पेज हमेशा मज़ेदार होना चाहिए, इसलिए ये कॉमिक का जो प्लान पेज है ना, ये मैंने छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनाया। पहला ये मैंने स्काई बनाया, उसके बाद अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स बनाए और अलग अलग चीज ऐसे बनती है। और कॉमिक का अपने को पोस्टर बनाया, उसके लिए अपने को शुरुआत से एकदम अच्छी बनानी पड़ती है। और शुरुआत से अच्छी तभी बनती है अब अपन चौथी चीज पिक्चर से भली पिक्चर तक स्टार्ट करें। चौथी चीज से अपन भली चीज तक होते हैं तो धीरे धीरे अच्छी होती है। और ये स्टेल वाली, ये स्टेल इस पेज की है, ये मैंने ये वाई वर्जन की है, अभी नवम्बर वर्जन की मैंने बनाई है। ये नवम्बर वर्जन की। और इस कॉमिक के बारे में अभी बताता हूँ। ये कॉमिक मैच दी लीपल की, और मैं ये बताना भूल गया मैंने मैच कितनी क्यों बनाई है, क्योंकि इसकी पहली कॉमिक भी थी ये, इसमें इसकी स्टारिंग हुई है, बिल्कुल शुरुआत की है। और उसके बाद ये चीजन हुआ नहीं, ये चीजन 2 है जो मैच थी कोको में, ये चीजन 5 है, मतलब उसका आखिरी बेचौर ये कॉमिक है। और ये चुली लीपल है, ये चुली बॉय, चली चुली बॉय, ये इसके पुरानी कॉमिक चीज स्टार है इस कॉमिक से। और मैंने एक वो कॉमिक भी डाली होगी यूट्यूब पर, वो कॉलिंग प्लैनेट की, वो देखना जरूर। उसमें ये चुली चुली बॉय भी है, और चुली पल के बारे में, चुली पल को होने में आपको अभी बताता हूँ। चुली पल की इसमें भी बनाई है, क्योंकि इसमें 4 लीपल चप के चप मिलके, ये चुली पल इस टाइप का, एक फायल लीपल, फायल आग टाइप का, एक ग्लास टाइप का लीपल के बारे में भी मैं बताता हूँ। ये ग्लास टाइप का लीपल, ये जो दिख लाइन है इधर इसके चल पे, और इस कॉमिक में भी लीप वाले, पर ये चुली वाले इसकी मैंने पॉलिंग प्लैनेट, तो वो पॉलिंग प्लैनेट वाला वॉल्यूम की है, ये वॉल्यूम पॉल उसके आगे की स्टोरी। और अमेजा में जो भी बनाता हूँ कॉमिक, उसमें पहले मैं प्लांट पेज बनाता हूँ, प्लांट पेज मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं उसके आगे की स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी सोचने के अपने को दिमाग शांत लगना चाहिए। वह अपन छपने में कॉमिक की चितोली चोचे तो अच्छा रहता है, क्योंकि छपने में ही मुझे ज़्यादातर चितोली जाती है यार। और मैंने नहीं छपनों की चितोली में से कुछ इस टाइप की भी बनाई है, अभी मैंने बहुत सारे छपने में चोची थी चितोलियाँ, वो भी है, ये वो सारी मैंने अपने दिमाग में देखी थी। जैसे कि ये वाली कॉमिक ही एक्ट करती है, मतलब कि ये 6 में बिल्कुल ऐसी चितोली है, ये चीज चितोली का है, चौथ नंबर मेरे ख्याल से 26-27 में ये वाली है। इसका वॉल्यूम 27-28 आना चाहिए, पेप्टिया चिक्स में, पेप्टिया चिक्स वॉल्यूम में मेरा मतलब। और ये बैंगलेट में है इस टाइप की, वैसे इस टाइप की मैंने कवर्स बनाना अभी स्टार्ट किए एक हफ्ते पहले से ही ये बनाने। ये नवम्बर वर्जन के पोस्टर्स कहलाते हैं नवम्बर। और ये जो कॉमिक है इसमें बैंगलेट एनर्जी है, मैंने आपको बताया था एनर्जी पोल्स स्टार्स, चल में क्या होता है धरती में जिस धीरे धीरे बहुत सारे लोग लोबो जिसमें कर लेते होते, एक लोबो जो देख रहा होता है इन्हें, वो ये देख के पहले जान लेता है, तो फिर वो क्या करता है, वो लोबोच को नेचुरल लोबोच, मतलब कि प्रकृति से, प्रकृति जब इंसान चलते हुए थे इन लोबोच को एक इस टाइप का एक पत्थर ढूंढ के, थोड़ा सा कार्टून टाइप है पर एक पत्थर है जिससे ये लोबोज इंसान बन जाते हैं, वो उसकी चेती कल्चर जिससे पूरा यूनिवर्स ही हो जाता है। वैसे ऐसे अचल में नहीं होता, पर ये एक स्टोरी लिखी गई है दिमाग से। और देखिए स्टोन को नेचुरल स्टोन में, मतलब कि ये जो ये पत्ता लेना है ये मैन मेड है, ये लोबोज मशीन में क्या क्या लगाए गए चाले नेचुरल से बने, पर इन्हें मैन मेड कहा जाता है, इसलिए ये लोबोज ही नेचुरल लोबोज बन गए। पर इसके साथ एक बहुत गलती हुई, क्योंकि इसने जल्दबाजी ज़्यादा की थी इस काम में, वो जो बर्तन दबाने वाला था उससे पहले
मुझे लोग उसे अपना माँ चुता चाहिए था, चल में वो रोबोट बन के आया था, क्योंकि इंसानों को ऐसी जगह घूमने का घूम नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त में ऐसा चल रहा था कोई सी भी खतरनाक जगह पहाड़ों पे जाना सब रोबोट के साथ ही जाके, तो रोबोट बन के चला गया, सब ने उसे जाने दिया। और उसी चीज से उसे वो भी एक रोबोट बन गया। वो कौन सा रोबोट बना ये आपको आगे बताया जाएगा। और इसमें बहुत दुख भी है, चाली टाइप की स्टोरी, इसमें दुश्मन भी है, इसमें कुछ लोगों का दुख भी है, तालों का, ये कुछ लोग ऐसे जो इन तालों को दबाते हैं ऐसे, और ये स्टार प्रोटेक्टर, ये स्टार्स की मदद करता है, ऐसे ये आगे बहुत है। और इसमें इनविजिबल कैमले, ये किसी की भी चूतिंग कर लेते हैं चाप। और इसमें बहुत स्टोरी है, ये बैंग ले दे जिसका आज्ञा दिया गया। और एनर्जी दवाई भी क्यों मचाला था ये भी पता चलेगा। और वो जो बीच में ये दिया था, ये लोगों इसका चेहरा कैसा होगा ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब ये बन जाएगा रोबोट तो ये लीच की चकल, ये 504 बाद होगी इसकी चकल, ये यहाँ से स्टोरी। ये एक बच्चा है, वो एक स्टोरी बन रहा था कि इतिहास में असल में हुआ क्या था, उसके बारे में उसे दिया गया था, तो इतिहास पढ़ रहा था। जो इतिहास था 200, 300, 400 नहीं 2000 ईयर्स एगो, मतलब 2004 पहले का इतिहास पढ़ रहा था। वो 2004 बाद इतना कुछ हो गया। और उसी टाइम ये जो ताना है जिसका नाम अभी बताया नहीं जाएगा, आगे बताया जाएगा, वो इनका टीचर था, इन दोनों को क्रिएट करता था, दोनों ये पोल्स और ये एनर्जी, पोल्स और एनर्जी को, चलो एनर्जी पहले अलग अलग होके ढूंढने निकल गए एक ऐसे इंसान को जो इनकी मदद कर सके। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना, ये जो दो लोग हैं ना इसके थे, वो स्टूडेंट्स इन दोनों को कहा था कि एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाने या ऐसा नेचुरल लोगों जो हम लोग मेरी मदद कर चुके हैं, स्पेयर कॉस्मिक, एक कॉस्मिक, एक ऐसी जगह जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। वो ही जाहिर का इसकी आगे की स्टोरी भी बाद में बताई जाएगी। इसका मैंने लास्ट पेज भी बनाया पर अभी ये इनकम्प्लीट है, जो बनाना बाकी है। और अब मैं बताना चाहता हूँ मैच की खो खो में, इसमें ये मैच नाम का एक बच्चा जो अपना बदला लेगा लीपल के लिए एक खो खो में चाहिए, उस टाइप की स्टोरी है। और अभी दो मिनट रुकना, दो मिनट में एक चीज़ बता रहा हूँ। ये मैच की ये शुरुआत की स्टोरी है स्टारिंग की, कि जिसमें मैच कैसे गया था। और ये बीच की है मेरे दिल, ये वॉल्यूम नंबर पोल है, वॉल्यूम नंबर वन, ये इसका वॉल्यूम पोल अलग ही, ये नहीं है इसका वॉल्यूम पोल, क्योंकि ये सीजन टू का वॉल्यूम है और ये सीजन वन का। और ये मैच थी खो खो में, ये वाली भी स्टोरी मई में बताई जाएगी। और ये बैंगलेट के 3-4 इंचू भी मई में बताए जाएंगे, ज़्यादातर गर्मियों में ही बताई जाएगी ये 40 स्टोरी। और अभी दो मिनट में अभी आया। ये स्काई की कॉमिक, ये जो है ना वॉल्यूम थी इसके ही वॉल्यूम से, ये वॉल्यूम चेक है सबसे मोटा वाला, ये वॉल्यूम नंबर 6 है, इसमें 256 पेजेस, 256 पेजेस। और ये 9th अटैक है वॉल्यूम 5, इसके बाद ये वाला वॉल्यूम, ये इसका आखिरी वॉल्यूम है, इसके बाद ये पूरी कंप्लीट हो गए इसका होगी। तो मैंने 4 कॉमिक्स बना ली है, अब बस कलरिंग की भी बाकी है। और इसका वॉल्यूम 1 कैसे शुरुआत हुई थी, वो तो आज ही मैंने इनमें कलर किया है, पर इनमें कलर था नहीं। और ये चीज और कॉमिक अंतला मैम की, ये वाली कॉमिक माई वर्जन की, ये मैं बाद में बताऊंगा। और ले चाहिए, और मैं कॉमिक्स के कवर भी पहले ही बना के रख लेता हूँ। ये वॉल्यूम 1 का कवर है, ये वॉल्यूम 4 है, और ये वॉल्यूम 1 वाला तो मैंने अभी बनाया नहीं था। ये इसका आगे का और ये चिंपल, ये मई वाल जाने, जब मैं ये वाली कॉमिक की स्टारिंग कर रहा जब, तो पहले मैंने ये बनाई थी।
इसमें इंच की थी मैंने, इंच की पैकेज की थी इसमें, ये इसका है कि ये आगे भी बताई जाएगी, ये इसका है। ठीक है, आगे भी बहुत बताया जाएगा, बस 2 मिनट और ये चौनिक देगा और लाच लिच, ये वाली भी कॉमिक है वैसे, ये अच्छी लिच तो नहीं है पर ये पैन में है, ये मैंने मन से बनाई थी, ये वो मई वर्जन पल पल में मैंने बस चिचकाई की बनाई थी। इसमें मतलब मैंने वेवी बियर का दिया गया है, ठीक है आज के लिए बस इतना ही। और एक और चीज, बैंगलेट की कॉमिक पढ़ना भूलना नहीं, ये 40 प्लीज, ये 40 मैं यूट्यूब पर डालूंगा, इसलिए मई में सब 40 डल जाएगी, मई तक वेट करना है। अभी बीच बीच में ये वाली पल वाली वर्जन की, ये 40 मैंने 2018 से स्टार्ट की, तो और 18 पल वाली चीज़,